내가 내가 이거 나 우리 뭐 यार हो गया कि नहीं
उनमें लड़कियां होगी तो जरूर देर लगेगी। ठीक है तो लोगों को रुको, वो कह रहे 2 सेकंड में नीचे आ जाए। ठीक है तो हम अभी जल्दी से हमारा प्रोग्राम शुरू कर देंगे। तब तक तब तक मैं कुछ पूछूं भगवान जी, मुझको एक बात समझ में नहीं आती कि हम भारतवासी जो भारत के कई प्रांतों से यहाँ पे आए तो हम यहाँ साथ साथ इकट्ठा क्यों नहीं रहते, अपना अपना अलग अलग ग्रुप बना के क्यों रहते हैं? मैं भी इसी बात में सोच रहा हूँ। आप सब इकट्ठा है, ये मैंने बफलो में बहुत ठंडी बनाई, और कैलिफोर्निया में इतने सारे हाईवे बनाए, लेकिन यहाँ ठंडी के अलावा और कोई इलाज है कि नहीं? तो जरूर कुछ मंडल मंडल बना दो। लगता है आपको भी अकेला आए नहीं है, यहाँ मंडल बनाना जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम है। ग्रुप सारे हट्टे कट्टे नौजवान हैं, अरे एक बार भाई मान लिया तो प्रपोज ही नहीं कर पाई ना, इसलिए पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, तो ही भाई मान लो। मानने की कोई बात नहीं, लड़के हैं भूल जाएंगे। आप तो जानते ही है आजकल जॉब मिलना कितना जरूरी है, इतने सारे दोस्त हैं लेकिन जॉब ही नहीं लग रहा है। माय नेटवर्किंग इज नॉट वर्किंग। लगता है दोस्त वो नहीं जिसे हम दोस्त कहते हैं,
लेकिन दोस्त वो है जो हमसे दोस्ती निभाता है। क्या हम सबको जॉब मिलेगा? भगवान जी को भी मिस कर देते हैं। है, वो तो मल्होत्रा जी थे, उनको जॉब मिला इसलिए उनके रेज्यूमे में बहुत गड़बड़ थी। जब उसको ठीक किया तब उनको जल्दी से जॉब मिल गया। क्या क्या लिखा था रेज्यूमे में, स्किल सेट में लिखता है मैंने अपने पिताजी के बिजनेस में 20 लाख रुपए की इनकम टैक्स बचाई। स्किल में लिखता है जब हमारे यहाँ कोई मोर्चा हो तो वही सब कुंडों को और पीपल स्किल में लिखता है यहाँ यदि एक आदमी अपना घर छोड़ नहीं रहा था उसका घर छोड़ नहीं रहा था लग रहे हो।
फेसबुक तो ये रहा दूसरा। सभी दिन ऐसे ही होते हैं, बात समझ में आई ना। देखिए शादी ये शेर का जुआ बनाने का यंत्र, तो शेर की पैदा करके रहना। इतने जोर से एक्सेल एक्सेल की बात कर रही हो, शादी के बाद एक्सेल हो जाओगे काम करती थी। दो दिन तक काम
पढ़ने की, बताया उसने क्या किया, उसने ना सारी किताबें कवर के रंग के अनुसार लगा दी, सारा कोई किताब ढूंढ ही नहीं पाया। जैसे लोगों को किताब का रंग बनाना नहीं पाए, वैसे यदि रंग संगति का बताना हो तो जीवन के बाबा क्या बात कही आपने, मत सही। आप अगर फेसबुक पे होते ना तो एंजेलिना जोली की पिक से ज्यादा आपकी इस कमेंट को लाइक मिल जाती। अच्छा एक और बात बताइए, यहाँ पे हम गाड़ियाँ दूसरी तरफ से क्यों चलाते हैं? देखिए भारत में औरतें अपने पति के बाय बाजू में, यदि गाड़ी का वाहन चक्र बाय बाजू में हो तो औरतें क्या गाड़ी के बाहर बैठेगी? आपने भगवान जी, यदि सात समुंदर पार वाले सुनहरे बालों वाली राजकुमार जो यहाँ की ब्लॉन्ड लड़कियाँ होती है, उस जमाने में राजकुमार उनके पीछे क्यों भागा करते थे? ब्लॉन्ड तो इतनी पकड़ी होती है, वो उनके पीछे क्यों भागते? अच्छा मैं आपको एक अच्छा वाला ब्लॉन्ड का क्यों सुनाऊं? देखिए बात ऐसी है, भारत की महिलाएं बहुत होशियार होती है और कोई आदमी ये नहीं चाहता कि उसकी बीवी उससे ज्यादा होशियार हो, बार बार पकड़ा जाएगा। असल में बात ऐसी हुई, जब एक प्लान की संख्या कम होने गई तब उसने सोच लिया कुछ निंदा जोक दिखा दो ताकि ऐसे न हो जाए। असल में वो ऐसी नहीं होती है। मुझे बात ये करनी थी कि मेरी रूममेट, वो जो मेरी रूममेट है ना, वो बहुत बात करती है, हमें पढ़ाई भी नहीं करने देखा था कि वो तो जो बोल ही नहीं सकती, वो ऐसे करती है, सवाल खुद पूछती है, हमारे मन में क्या विचार चल रहा है ना उसको खुद से सोचती है एंड फिर खुद ही सवाल का जवाब दे देती है। उसको ऐसा लगता है ना कि अगर वो दिन के 10,000 शब्द ना बोले तो भगवान जी उस पर नाराज हो जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं है, ये बताओ उसे, वो कंप्यूटर साइंस वाली लड़कियाँ वो कहाँ इतनी बात करती रहती है, जब देखो रेज्यूमे अपडेट एडिट अपडेट एडिट ना। और मेरी रूममेट खाना भी नहीं बनाती, तो हमने उनके लिए खाना बनाया था, ये कोई बात नहीं क्या? आप बताओ ये ठीक है या नहीं? मुझे ये लगता है कि उसे किसी बंगाली से शादी करनी चाहिए। बात ये हुई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारे बंगाली बाबू गांधी जी के पीछे थे और सारी औरतें सुभाष जी के पीछे थी, तो बाबू जी को खाना क्यों बनाना पड़ता होगा, इसका ये भी कारण हो सकता है। पंजाबी से शादी करना भी सोच सकती है, पंजाबी को खाना बनाने का बहुत शौक होता है, वो मेरी रूममेट को खाना बनाना सिखाने की बहुत कोशिश करेंगे, बिकॉज उनको खाना बनाने से खाना बनवाना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ तो मैं ये बोली थी कि मेरी रूममेट जो है ना ये म्यूजिक बहुत जोर से प्ले करती है, इसकी वजह से ना हमारी पढ़ाई नहीं होती है। आप पूछो कि वैसे क्यों करूँ, मैं जवाब देता लेकिन अगर मुझे जवाब पता होता ना तो मैं खुद ही कुछ इलाज कर देती ना। लेकिन मैं क्या बताती हूँ कि वो ग्रोसरी की शॉपिंग में बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करती, हम सारे जाके इकट्ठा शॉपिंग करके आते हैं लेकिन वो सारा खा लेती है, पैसे भी नहीं देती हमने उनको। और तीनी तीनी को भैया पूछो ही बताओ, इतनी गंदी रहती है, ऐसे लगता है जैसे कोई लड़को हमारा रूममेट। लेकिन अभी मुझे बस करना चाहिए लेकिन मैं देख रही हूँ और वैसे भी सिर्फ एक आदमी के वापस ना जाने से कितना फर्क पड़ेगा, इस बारे में आपकी क्या सलाह है? यदि आपके वापस में जाने से
कुछ एक आदमी वापस जाने से कितना फर्क पड़ गया। यदि दिल में क्रांति की ज्वाला हो तो कुछ भी हो सकता है। ऐसी जरूरत आज हिंदुस्तान में कैसे आ गई? तो फिर आप खुद ही कोई अवतार क्यों नहीं ले लेते? हम पुराने जमाने में कोई एक व्यक्ति का रूप धारण करके यहाँ आया, लेकिन आज इस इंटरनेट के जमाने में नहीं चलेगा। आपको ही मेरा काम करना पड़ेगा। आप ही मेरे अवतार हैं। भारत की युवा ही मेरे अवतार हैं। देखिए अपनी भारत माता भ्रष्टाचार की श्रृंखला में मुक्त करो। भारत के महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मुक्त करो। अपनी न्याय देवता दुर्बल हो गई है, वो किसी की मदद नहीं कर पा रही है, उन्हें शक्ति दिलाओ। गरीबों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसे रोक दो। लोग भूखे मर रहे हैं, उनको खाना खिलाओ। मुझे यकीन है कि आप ही मेरा काम करोगे। आप ही मेरे अवतार है। भारत की युवा ही मेरे अवतार है। तो बस अब किसी की राह न देखो। आप जल्दी से आज ही से शुरुआत करो। चलो जल्दी करो, शुरुआत करो, ट्वीट कर दो, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे